आज हम करेंगे लूप के ड्राई रन्स। सबसे पहले हमारे पास एक ये प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर लूप होता क्या है। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में कंडीशन लगाई है वाइल सी लेस देन थ्री, यानी वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता रहता है। आइए देखिए अब हम इसका ड्राई रन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, सी। सी में हमारी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। एंड देन कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, सी लेस देन थ्री। एंड देन आउटपुट या प्रिंट। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ज़ीरो लेस देन थ्री। क्या हमारा जीरो तीन से छोटा है, छोटा है, यानी हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, लूप के अंदर। एंड देन तो अब हमें देखिए कि एक स्टेटमेंट और है कि सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, यानी हमारी जो सी की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब हमारा क्या होगा, वन। क्या हमारा वन तीन से छोटा है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, लूप के अंदर। एंड देन अब हमारी कंडीशन फिर से, हम इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे टू। क्या हमारा टू तीन से छोटा है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लूप के अंदर। एंड देन अब हमारी फिर से इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, तीन। क्या हमारा तीन तीन से छोटा है, नहीं, क्योंकि तीन तीन के बराबर है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। जैसे हमने कहा था कि जैसे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बाहर निकाल देगा, यानी एल्स के अंदर। तो एल्स में हमें क्या प्रिंट होगा, लूप खत्म, हाजमोला, हाजम, अब इसकी बारी है। देखिए कितना इजी था लूप के ड्राई रन निकालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।